बेटमा नगर से 6 किलोमीटर दूर ग्राम राम बड़ोदिया में चल रहे 7 दिवसीय यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम के चौथे दिन इंदौर सांसद शंकर लालवानी बेटमा पहुंचे, जहां उन्होंने यज्ञ पंडाल की परिक्रमा लगाकर यज्ञ देवता का आशीर्वाद लिया। यहां शिव परिवार, श्री खेड़ापति हनुमान जी, श्री राम दरबार, माँ चामुंडा माता, श्री तेजाजी महाराज नाग देवता और श्री बापू जी राठौर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का 7 दिवसीय पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ चल रहा है। कार्यक्रम की यह विशेषता रही कि यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंच लगाकर झांकियों व कलश यात्रा का मंचों से स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि 7 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मी नारायण जी उपाध्याय एवं मनोज जोशी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। भगवान का यहाँ पर यज्ञ होने जा रहा है। 16 तारीख से हमारा आयोजन हुआ। 16 तारीख के दिन भगवान की भव्य शोभा यात्रा एवं नगर भ्रमण का आयोजन किया गया है और 7 दिवसीय पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यज्ञ करने से पूरे विश्व का कल्याण होता है और भगवान भी यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं। तो 7 दिवसीय पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ के द्वारा भगवान खेड़ापति हनुमान जी, शिव पंचायत सहित राम दरबार, वीर तेजाजी महाराज, नाग महाराज, बापू जी राठौर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। भगवान का 22 तारीख के दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। ग्राम राम बड़ोदिया में मंदिर के मूर्ति की स्थापना को लेकर 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और हम देख रहे हैं यज्ञ करने को। पंडित जी ने यज्ञ में ये बात कही कि हम देश और दुनिया की समृद्धि के लिए और करुणा के से सब ठीक हो, सबका कल्याण हो, उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। मैं यहाँ की बधाई देना चाहता हूँ, पिछले 10-12 वर्षों से ये मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह कर रहे हैं बिना किसी सरकारी सहायता के। इन्होंने आपस में धन संग्रह करके श्री राम जी का परिवार पूरा मंदिर का राम और शिव परिवार और हनुमान जी का तीनों मंदिर की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। उनको बधाई देता हूँ कि हम सब मिलके यही आज इस अवसर पर खाएँ कि जो वर्तमान स्थिति है वो ठीक हो और हम धूमधाम से ये कार्यक्रम कर सकें। मैं ग्राम जी को सहयोग किया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग इसमें किया है और आने वाले समय में ये यहाँ का तीर्थ स्थान बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।